जो बजट कम है, जिसका बजट लाख के अंदर का है, उसके लिए ये भी अच्छी है। अच्छा, पूरे कैरेक्टर्स इसमें है जी। लेवटी उसकी सुबह बिल्कुल नहीं थी, भी बहुत अच्छा पावर आ गया है जी जी। पीठ भी अच्छी है जी। और क्या क्षमता है सर इसकी दूध की? 12 से 14 लीटर दूध दे देगी पक्का। अभी भी होगा उसका टाइम का 6 लीटर। अच्छा बनी है उसका लगभग 15-16 लीटर दूध तैयार है अभी। अच्छा ऑर्डर बहुत भारी है जी जी, देख सकते हैं भाई गजब की बफेलो है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सारी बफेलो है 1 लाख के आसपास की है और दूध है बढ़िया है, यानी कि 15 लीटर आसपास होता है। और आप अच्छी तरह से केयर करते हैं तो उसके दूध बढ़ा भी सकते हैं। और ये दोनों भैंसे हैं जी, जान पहचान वाली है, बहुत लंबे टाइम अच्छा दूध देती है। अच्छा ब्रीडिंग के लिए बहुत बहुत अच्छी है भैंसे ये दोनों। नमस्कार मित्रों, मैं जोशी दिलीप सभी किसान मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम आए बनासकांठा के सुईगम तहसील में, और मित्रों ये रामसुक भाई राजपूत जो बन्नी एवं महसाणी बफेलो के सबसे बड़े सेल परचेज करने वाले बंदे भी आप मान सकते हैं। और आज इस वीडियो में रामसुक भाई के जो बड़े भाई हैं उनकी यहाँ पर उन्नत बन्नी एवं महसाणी बफेलो यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी। तो मित्रों सभी पशुपालक मित्रों को ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी पशु खरीदने से पहले आप सभी पशु का 2 से 3 बार या 4 बार या आप 1 दिन या 2 दिन या 3 बार भी आप अवश्य दूध निकालें। और सभी पशु की उम्र जानने के लिए आप उनके दांतों पर ज़रूर देखें। जो पशुपालक मित्रों को दांत से पशु का अंदाज़ा लगाना नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेबसाइट की लिंक देता हूँ, तो आप ध्यान से पढ़े, वहाँ पर आपको बड़ी आसानी से पशु की उम्र, उसकी अच्छी दुधारू पशु की पहचान क्या होती है, पूरा अपन वहाँ पर विस्तार से आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो मित्रों आज इस वीडियो में रामसुख भाई के जो बड़े भाई हैं उनकी यहाँ पर बफेलो दिखाई जाएगी। तो सर आप हमें ये कौन कौन सी नस्ल आपके पास बिक्री के लिए उपलब्ध है एवं उसकी दूध क्षमता क्या है, क्या रिकॉर्ड है, क्या खास विशेषता है, और ये बफेलो यानी कि बन्नी के अंदर क्या क्या खास विशेषता है, उसका जीन कैसा होता है, हमारे पशुपालक मित्रों को आप बन्नी के बारे में शुरुआत में विस्तार से बताएं। बन्नी जैसे अच्छी चुन चुन करके लाते हैं तो सेम मुरा जितना ही दूध दे देती है। अच्छा 4,000-5,000 लीटर ज़्यादातर भैंस दे देती है। अच्छा पर हर ब्रीड में कचरा भी बहुत पड़ा हुआ है। अच्छा अगर अपन नहीं जानते हैं तो ऐसी मिल जाती है तो 2500-3000 में सिमट जाती है। अच्छा अच्छा हाँ। तो सर ये कौन सी नस्ल है? ये पहले ब्याह की जोटी है, बनी ब्रीड की है, लेकिन थोड़ी बनी के जंगल के एरिया से बाहर की है जी जी। ये बचाऊ साइड की है। अच्छा पर उसकी अभी आप थन पास है, बहुत अच्छे परसु ही आई है हमारे छोटे भाई की है। अच्छा उसका सेल परचेज का काम है, ये पूरी भैंसे उसकी है। अच्छा वो हाजिर नहीं है इसलिए मैं उसकी जो डिटेल मैं बता रहा हूँ। अच्छा बहुत अच्छे थन पासे हैं जी। और जो बजट कम है, जिसका बजट लाख के अंदर का है, उसके लिए ये भी अच्छी है। अच्छा अच्छा, अच्छा। पूरे कैरेक्टर्स इसमें है जी। थन लेवटी उसकी सुबह बिल्कुल नहीं थी, भी बहुत अच्छा पावर आ गया है जी जी। पीठ भी अच्छी है जी। और क्या क्षमता है सर इसकी दूध की? 12 से 14 लीटर दूध दे देगी पक्का। अभी भी होगा उसका टाइम का 6 लीटर। अच्छा हाँ। और ये सर बनी? ये भी बनी है। अच्छा ये भी उसके साथ कल ही आई। अच्छा उसकी भी लेवटी बहुत अच्छी है, ये दूसरे ब्याह में। अच्छा ये दूसरे ब्याह में। ये भी उसके सिंग भी प्योर बनी में ही है जी जी। पर ये सब मीडियम साइज की भैंसे। अच्छा हाँ। और ये सर कितने अंदाज हो सकती है ये दोनों भैंसे? मैं कुछ पूछा नहीं हूँ लेकिन ये लाख अगल बगल की दिखती है, ये अंदर की है। अच्छा और सर इसकी क्या क्षमता है? मालूम नहीं है पर ये भी 12 से 14 लीटर दूध पक्का दे देगी। अच्छा अच्छा हाँ। और सर ये उसका 14-15 लीटर दूध है तैयार। अच्छा हाँ। अच्छा और ये भी? प्योर बनी है, बनी जंगल से ही आई है। अच्छा अच्छा ये पूरी हाँ। साइज छोटी है जी जी जी, पर कैरेक्टर बहुत अच्छे है उसके। देख सकते हो भाई ऑर्डर की बनावट बढ़िया है, देख सकते हैं जंगल जो बनी जंगल की भैंस है उसके 10-15 हज़ार रेट ज़्यादा रहती है। अच्छा और सर इसकी क्या कीमत हो सकती है? ये 1,30,000-25,000 तक की है। अच्छा अच्छा और जस्ट यहाँ पर ये भी बनी है। अच्छा ये सभी बफेलो बिका हुआ है? हाँ सेल परचेज के लिए। हाँ बिक्री के लिए है जी जी जी। और
ये सर बनी है ना? बनी है, उसका लगभग 15-16 लीटर दूध तैयार है अभी। अच्छा, ऑर्डर बहुत भारी है। जी जी, देख सकते हैं भाई, गजब की बफेलो है। सर ये आप, आपके भाई का नंबर दे सकते हैं? दे सकता हूँ। पशुपालक भाई ये खरीदना चाहता है? हाँ, दे सकता हूँ। जी तो सर, मित्रों मैं आपको इस डिस्प्ले पे सर का मोबाइल मेंशन करता हूँ, तो आप डायरेक्टली सर से बात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सारी बफेलो है 1 लाख के आसपास की है, और दूध है बढ़िया है, यानी कि 15 लीटर आसपास होता है, और आप अच्छी तरह से केयर करते हैं तो उसके दूध बढ़ा भी सकते हैं। और ये दोनों भैंसे हैं जी, जान पहचान वाली है, बहुत लंबे टाइम अच्छा दूध देती है। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए बहुत बहुत अच्छी है भैंसे ये दोनों, और बन्नी के जो ब्रीड कैरेक्टर से 100% है इसमें। अच्छा, दोनों भैंसे बहुत अच्छी है। और सर इसका क्या रिकॉर्ड है, ये बन्नी है ना? हाँ, ये भी अभी 17 लीटर दूध तैयार होएगा, 16 लीटर तो कुछ पहले भी बोल रहा था सर। ये आप जैसे कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी जो ऊर्जा है उसकी थोड़ी खपत हो जाती है, यानी कि ये सर्वाइव करने में, तो उसका दूध यहाँ पर प्रॉपर बहुत ही कम होता है। लेकिन जो कोई भी पशुपालक भाई ऐसी तरह से फार्म पर बांधता है, ये फीड देता है, ऊपर पंखे पंखे सब जो व्यवस्था करता है, तो उसका दूध 1 से 2 लीटर बढ़ भी सकता है, क्योंकि बढ़ सकता है, उसको आराम मिलता है जी, और थोड़ी ये परेशानी भी कम होती है। लेकिन ये टाइम होता है जी, जो भादो महीना बोलते हैं जी, जो श्राद्ध में, पहले ऐसी हमारे यहाँ मान्यता थी कि हमारे जो पूर्वज है जी, वो ये टाइम में दूध पी जाते हैं पशु का जी, ये मान्यता है, बराबर है, पर ये टाइम इतना टेम्परेचर रहता है जी, और जो क्लाइमेट है पशु को बिल्कुल सूट नहीं होता है जी, जी, जी। रात को थोड़ा ठंडा हो जाता है, दिन को बहुत, दोपहर के बाद बहुत टेम्परेचर आ जाता है जी, जी, जी। और टेम्परेचर भी ये थोड़ा बीमारी वाला होता है। अच्छा, तो ये टाइम में कैसा भी पशु हो, 1-1.5 लीटर, 2 लीटर दूध काट देता है। अच्छा, यही ये 1 महीना ऐसा ऊपर नीचे दूध रहता है जी, जी, जी। हाँ, मेंटेन करो तो भी ये तो प्रॉब्लम रहता है ये टाइम जी। और सर यहाँ पर अपन देखो, ये प्योर बनी है। अच्छा, दूसरे ब्यांत में 6 दांत भाई, शौक के लिए बनी से ही 3 दिन घूम के परचेज करके लाया है। अच्छा, और सर इसकी क्या क्षमता हो सकती है? अभी लगभग 1 साइड का बच्चे को पिला देता है जी, और 15 लीटर दूध है, 16-17 लीटर दूध देगी, पर ये वो भी बता रहा था कि बहुत लंबे टाइम दूध दिया है भैंस। अच्छा अच्छा, और 1 महीने के बाद वो 16+ हो जाएगी। अच्छा, ऐसा सामने से बताया है मालिक ने जी, जी जी। उसका भी स्ट्रक्चर, पीठ, अंडर क्वालिटी जी, सब हर एंगल से बहुत अच्छी जी, जी, जी। सर आप ज़्यादातर भैंसे गाभिन लाते हैं या? गाभिन भी आती है, अभी ये टाइम है, सीजन है काविंग का, इसलिए ज़्यादातर बच्चे वाली आती है। अच्छा, और आप कितने टाइम ये मिल्किंग करके लाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मिल्किंग हम दोपहर के जो देखते हैं तो उसके थन धार पाना चेक कर लेते हैं, ये सब मिल्किंग 2 टाइम करके लाने का ऐसा काम नहीं, ये अपनी नजर से देख के लाने का काम। अच्छा, अच्छा। दूध तो अपने आप आ जाता है जी, जी, यानी कि मेन पशुओं का चुनाव करना। हाँ, जो जिस भाई को नॉलेज है, नहीं है, उसी को 2 टाइम मिल्किंग करके लेनी आवश्यक है जी, 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 देख सकते भाई। और सर ये वाले, ये वाली मीणी है। अच्छा, ये नस्ल कौन सी है? ये बनी है पर मीणी है। अच्छा, उसकी सींग बहुत अच्छी है जी, जी। ये बहुत से भाई उसको मूछ वाली मीणी भी बोलते हैं। अच्छा, जैसे मूछ जैसा सींग का आकार होता है जी, जी, जी। और उसका भी स्ट्रक्चर, ये पीठ बहुत अच्छी है इसकी, जी, जी। मीणी भैंस की ज्यादातर पीठ बहुत अच्छी रहती है जी, जी। लेवटी भी अच्छी रहती है जी। अभी 2-3 दिन से बच्चा दिया है, इसलिए थोड़ा पावर कम है जी, जी। ये भी 15-16 लीटर दूध पक्का दे देगी जी, जी, जी। ये ओवरऑल हमने आपको ये वीडियो में दिखा दी सभी भैंसे, और आप खुद रामसुख भाई का जो अलग आपने हमने पहले अगले वीडियो में दिखाया, और यहाँ पर उसके भाई का ये फार्म है। और मित्रों आप ये भैंसे लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली जो मैं मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे रहा, तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और हमारा मेन मकसद आपको अच्छा पशुधन दिखाना, यानी कि हमें यहाँ पर आए थे तो ये सेल प्रोसेस का वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दुधारू पशु का मेन चुनाव कर सकते हैं, उसका बन्नी का जो कैरेक्टर है उसे कि आप पहचान प्रॉपर होनी चाहिए, आप जो जानकार नहीं है तो 2 से 3 बार आप अच्छी तरह से उसकी दूध निकाले तभी आप पशु का चुनाव करें, और सभी पशु को थोड़ा बहुत चलाना अति आवश्यक है, और 2 से 3 बार अवश्य मिल्किंग करें। तो सर थैंक यू।
थैंक यू, धन्यवाद, हमें शानदार माहिती दी, सबको तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी।